गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बेटा वीडियो नंबर 15 हमारी आ रही है फंडामेंटल चैप्टर की सीरीज में ही बेटा। वीडियो नंबर 15 है और चैप्टर का नाम है हमारा फंडामेंटल से बेटा। फंडामेंटल के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है बेटा पास एडजस्टमेंट, हम लोग टॉपिक कर रहे हैं। टॉपिक का नाम बेटा हमारा क्या है बेटा? पास एडजस्टमेंट हमारे टॉपिक का नाम है और इस सीरीज़ के अंदर पास एडजस्टमेंट की बेटा थर्ड वीडियो है। पास एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो वी नीड टू सॉल्व मोर क्वेश्चन सो डैट वी कैन डू इजीली दिस कंसेप्ट। तो बेटा आज का हमारा टारगेट है, हम इस वाली वीडियो के अंदर में इलस्ट्रेशन नंबर पहले 39 लिख के आएंगे, उसके बाद हम लोग बेटा एक इलस्ट्रेशन और करेंगे। पहले हम 39 कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 43 करेंगे। आज हम लोग इलस्ट्रेशंस को यहाँ कवर करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 39 सबसे पहले लेके आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, तो आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर लेके आ रहे हैं हम लोग 39। और बेटा मैं चाहूँगा आपको बताना कि ये पेज नंबर हमारा 2.54 है और रेस्पेक्टेड ग्रेवाल साहब की हमारी बुक है और एडिशन है 2020। ये हमारा पेज नंबर आ गया बेटा। पेज नंबर कितना है बेटा, फिर से बताइए आप। 2.54 हमारा बेटा क्या है, ये पेज नंबर है। तो देखेंगे बेटा यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 39 पे मैं आ रहा हूँ बेटा। अब ये मेरे साथ साथ आप कवर करना शुरू कर देंगे बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 39 पहले पढ़ लेते हैं। पास एडजस्टमेंट का कंसेप्ट आपको मालूम ही है। ऑन 31 मार्च 2014, सबसे क्रूशियल डेट दे रखी है 31 मार्च 2014। इसका मतलब क्या है, 2014 का आपको ईयर एंड दे रखा है, मतलब कि 2014 के क्लोजिंग बैलेंसेज रखे हैं। बैलेंसेज इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ एली, मोनू एंड अहमद, तीन पार्टनर है, एलिन है, मोनू है और अहमद है। आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट फॉर द प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग्स वर 1,60,000, 1,20,000, 80,000 रिस्पेक्टिवली। यानी कि 31 मार्च 2014 को तीनों पार्टनर्स की मुझे कैपिटल यहाँ दे रखी है। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड डैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स हैज़ बीन ओमिटेड। ये है मेरा पॉइंट, यानी कि जिसको मुझे समझना है, यानी कि यहाँ पे पता लगा कि यहाँ पे क्या ऑमिट कर दिया, क्या भूल गए हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आपको मालूम ही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमेशा हम क्रेडिट करते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमेशा क्या करते हैं बेटा, हम लोग डेबिट कर देते हैं। दोनों का हम काम करेंगे, ठीक है जी। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वाज 40,000 है, प्रॉफिट हमें 40,000 रुपये का हुआ था, ये बताना चाहते हैं। अब इन्होंने क्या कहा, ड्यूरिंग द ईयर एलिन एंड मोनू ईच विड्रू, ईच को अंडरलाइन करेंगे बेटा यहाँ पे कि दोनों ने करा है बेटा, एलिन ने भी किया है और मोनू ने भी किया है। टोटल सम ऑफ 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, 24,000 निकाला है इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी कि पूरे साल, ड्यूरिंग द ईयर का मतलब पूरे साल, और 24,000 पूरे निकाले हैं। मोटी मोटी भाषा में कहूँ तो इसका मतलब 2,000 रुपये हर महीने निकाले, बिल्कुल सही है सर। 24,000 रुपये हैं और 24,000 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, 24,000 को अगर हम डिवाइड करते हैं बेटा, अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हर महीने का अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा हमारा, 2,000 रुपये का हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो इसका मतलब हर महीने मैंने 2,000 रुपये निकाले हैं इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। चलिए जी, एंड अहमद जी ने विड्रॉ कराया, टोटल सम 48,000 है। अच्छा, इसका मतलब 4,000 महीने रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें टोटल पता लग गया। इन इक्वल इंस्टॉलमेंट है, हाँ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में। मोटी मोटी बात आपको समझ में आ गई होगी, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालूंगा एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, आपको याद आ रहा होगा। एट द एंड ऑफ ईच मंथ लगाते हैं तो एवरेज पीरियड निकालते थे, हाँ जी सर, 6.5 महीने का लगता था, सॉरी गलती कर दी बेटा, 5.5 महीने का निकलता था। और अगर एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ है तो हाँ जी, कितने महीने का निकलेगा, 6.5 महीने का निकलेगा। तो बिल्कुल आपको परफेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है, वो कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट तो बता लगे 5% दे रखा है, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी चार्ज या इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है जी। PSR भी दे दिया 211 का, कह रहा है कि शोइंग योर कैलकुलेशंस क्लियरली, ये हमेशा लिखा होता है वर्किंग नोट, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग नोट को शो करेंगे उसका ही मार्क्स होगा। पास नेसेसरी जनरल एंट्री, जनरल एंट्री में पास करनी है। और ये जो क्वेश्चन आया था दिल्ली के अंदर बेटा हमारा 2015 के अंदर, ये सवाल पूछा गया था और ये सवाल काफ़ी बड़ा है और बड़ा दुख होता है थोड़ा सा, ऐसे सवाल कंपार्टमेंट में बहुत पूछते हैं। इसका मतलब हमें पहले बार में ही बेटा एग्जाम क्लियर कर लेना है कि कंपार्टमेंट की हमें नौबत ही ना आए। तो आई थिंक सो क्लियर है क्वेश्चन। सबसे बड़ा पंच यहाँ पे क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, जो आपको कैपिटल दे रखी है वो कैपिटल कौन सी दे रखी है बेटा आपको, हाँ जी आपको वो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। तो पहला काम मेरा क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा। तो मैं निकालूंगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा अपने तरीके से इस क्वेश्चन को, तो मेरे साथ साथ आप चलेंगे। सबसे पहले आपको मालूम है कुछ हम स्पेस छोड़ देंगे बेटा, वो स्पेस किसके लिए छोड़ते हैं आपको मालूम है, यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी बेटा, जनरल एंट्री आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा, जनरल एंट्री। उसके बाद हम वर्किंग नोट बनाना शुरू करेंगे और वर्किंग नोट में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट शोइंग पास एडजस्टमेंट, क्या लिखते हैं बेटा, स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट, बिल्कुल स्टेटमेंट बनाएंगे पास एडजस्टमेंट वाली हम लोग।
कैसे बनाते हैं वो देखते चले जाएंगे हम लोग। उसके लिए मालूम है हम एक टेबल बनाते हैं, आपको मालूम है हमेशा से पहले पर्टिकुलर्स का कॉलम बनेगा, फिर हमारे तीन रिस्पेक्टेड पार्टनर्स हैं उनका बनेगा हमारे पास ये कॉलम। उसके बाद हम इसको इस तरह से डिवाइड कर देंगे। यहाँ हम क्या लिखते थे बेटा, पर्टिकुलर्स लिखते थे। पहले पार्टनर का नाम मुझे क्या पता लगा, क्या नाम है बेटा, एलिन नाम है, बहुत ही यूनिक सा नेम लग रहा है, एलिन है, मोनू है, और तीसरे पार्टनर का नाम अहमद है, और ये लास्ट में क्या आता है बेटा, यहाँ फॉर्म आता है। आपको मालूम है इनके कितने हिस्से करते हैं हमेशा से हम लोग, इनके दो पार्ट्स करते आ रहे हैं, तो वही परंपरा हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे बेटा। आज 16 अप्रैल 2020 हो गई है बेटा हमारे पास। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इनको लिख देते हैं हम लोग डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है जी। इतना करने के बाद सर अब क्या करना है, आगे आगे क्या करना है देखते हैं जी। गलतियां सुधारते हैं सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो क्या करेंगे भला आदमी, क्रेडिट कर देगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं हुआ क्या हो जाएगा सर, यहाँ डेबिट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसका मतलब मुझे ये काम करने पड़ेंगे, चलो साहब ये भी काम कर लेंगे हम लोग। लेकिन सर कैपिटल तो इन्होंने हमें कौन सी दे रखी है सर, एक क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, नहीं क्या निकालेंगे हम लोग, हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा और क्या निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल होगी। ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आपको मालूम है, आपको फॉर्मूला पहले ही बताया गया है और पहले की वीडियोस में भी हम लोगों ने इस तरह की चीज़ों को डिस्कस किया है। पार्टनर्स के नाम देख लेते हैं, पार्टनर्स के नाम है एलिन है और हमारे मोनू जी हैं और हमारे अहमद जी हैं। तो क्या करें बेटा, यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे हमारे पास पहले इनके हम क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं बेटा, कितने कितने क्लोजिंग कैपिटल रखी है। आपने सवाल में पढ़ा था क्लोजिंग कैपिटल है 1,60,000 है, फिर से बता देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 39 है, एग्जाम्पल नंबर 39 है और पेज नंबर है 2.54। और क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है बेटा हमारे को, 1,60,000 है, 1,60,000 है, और ये हमारे पास मोनू की कैपिटल हमारे पास 1,20,000 है। इस तरीके से बाकी सवाल भी कर पाएंगे। और अहमद की कैपिटल हमारे पास 80,000 है। अब बेटा यहाँ पे आपको मालूम है ड्राइंग्स को हम प्लस करते हैं, वहाँ पे ईच वर्ड पड़ा था, मतलब 24,000 ये विड्रॉ कर रहा है, 24,000 इन्होंने विड्रॉ किया है, इन्होंने कितना विड्रॉ किया है बेटा, 48,000, जरा सा ध्यान बटाने आपका गलती हो जाएगी, 48,000 आ जाएगा। अच्छा अब क्या करेंगे, प्रॉफिट को क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे। प्रॉफिट हमें टोटल 40,000 का हुआ था और इनकी हमें जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है वो आपने पढ़ा होगा, वो 2:1:1 है। तो यानी कि क्या करेंगे, ये 20,000 रुपये यहाँ माइनस हो जाएंगे, 10,000 रुपये यहाँ माइनस हो जाएंगे और 10,000 रुपये यहाँ माइनस हो जाएंगे। और उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसका नाम OC होगा, OC का मतलब ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल निकल के आएगी बेटा हमारे पास यहाँ 1,64,000 आएगी हमारे पास। करिए ज़रा 160 और 24, 184 में से 20 गया, 164 आ जाएगा, ये माइनस करिए बेटा, ये हमारे पास कैलकुलेट आ जाएगा 1,34,000 आ जाएगा। और बेटा तीसरे पार्टनर का हमारा कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो 1,18,000 आ रहा है बेटा मेरा ये, यानी कि इतनी इतनी मेरी ओपनिंग कैपिटल आ गई। और ये जो ओपनिंग कैपिटल आई है उसके ऊपर ही मुझे इंटरेस्ट चार्ज करना होगा, यानी कि पहले ही गलती सुधार लेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। बिल्कुल, यानी कि हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्या कर देंगे बेटा, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि नहीं दिया था तो बनता है देना, तो बिल्कुल दे देंगे। कितना देंगे यहाँ पे, 16,400 आया है, 1,64,000 आया है, इसका अगर 10% निकालेंगे तो आएगा 16,400 आ जाएगा। दूसरे पार्टनर का आ जाएगा बेटा 13,400 आ जाएगा। और तीसरे पार्टनर का जो अमाउंट आएगा मेरे पास कितना आ जाएगा, 1,18,000 का निकालूंगा, 11,800 का। रूल क्या कहता है, अगर यहाँ पे पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट आए तो इन तीनों का टोटल फर्म के अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये पास एडजस्टमेंट में आपको मालूम ही है, आप पहले वाली वीडियो देखिए, वीडियो नंबर 13 और 14, तो आपको रिविजन होता रहेगा। आगे चलते हैं बेटा, आगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी गलतियाँ हुई हैं, तो मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी कैलकुलेशन करनी होगी। मैं कर रहा हूँ यहाँ पे एलिन और मोनू के लिए सेम हो जाएगी और अहमद जी के लिए अलग हो जाएगी। इनका ड्राइंग का अमाउंट टोटल 24,000 था, चाहूँ तो मैं इसको 2,000 × 12 भी लिख सकता हूँ। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे कितना दिया इन्होंने, आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को ध्यान से देखना है बेटा, वो 5% दिया हुआ है। और कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा बेटा, पहले वाले केस में आपका इंटरेस्ट जो लगेगा एट द बिगनिंग है, एट द एंड ऐसा बिगनिंग है, तो देखिए दोबारा ठीक कर रहा हूँ मैं, 6.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा मेरे, 6.5 महीने का इंटरेस्ट निकाल लीजिए, ये कितना इंटरेस्ट आ जाएगा बेटा, 650 आ जाएगा। एलिन और मोनू दोनों के लिए सेम आएगा बेटा। अब मैं निकाल रहा हूँ अहमद जी के लिए, निकाल रहा हूँ अहमद जी के लिए कितना आएगा, उनकी ड्राइंग का अमाउंट कितना था बेटा, 48,000 था,
रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 5% ही लगेगा, लेकिन जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो कितने महीने का होगा? 5.5 महीने का होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले रूल किए हुए हैं। ये क्या है, एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ है। मैं इसको डिटेल में नहीं डिस्कस करूँगा, यहाँ पहले हम कर चुके हैं। सॉरी, एट द एंड ऑफ ईच मंथ है। एट द एंड में हम कितने महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे? 5.5 महीने का इंटरेस्ट निकलता है, और बिगनिंग होता है तो 6.5 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। सॉल्व करा बेटा मैंने, ये कितना आ गया मेरा 1100 आ गया। यानी कि एलिन और मोनू के लिए कितना कितना आया है? 650 आया है। अब मैं क्या करूँगा, आईओडी आपको हमेशा मालूम है, आईओडी डेबिट हो जाएगा। कितना होगा यहाँ? 650। यहाँ भी कितना होगा? 650 होगा। और तीसरा क्या आएगा बेटा यहाँ पे, अहमद के अकाउंट में कितना डेबिट हो जाएगा? 1100 हो जाएगा। तीनों का मैंने टोटल कर लिया। टोटल करने के बाद मेरे पास कितना आता है वो मैं देख लेता हूँ बेटा। यहाँ टोटल मेरे पास कितना आ गया बेटा? 800 रुपीज़ आ गया। सॉरी, टोटल करके 1311 2400 आ गया बेटा। यहाँ पे अगर यहाँ डेबिट हुआ है तो फर्म के अकाउंट में क्या हो जाएगा बेटा? ये क्रेडिट हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। बस दो ही गलतियाँ हुई हैं, इसके अलावा हमारी और कोई गलती यहाँ पे नहीं हुई है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा रूल क्या कहता है, सबसे पहले हम यहाँ पार्टनर्स का अकाउंट क्लोज़ नहीं करते हैं। किसका क्लोज़ करते हैं? हाँ जी, सबसे पहले हम फर्म का अकाउंट यहाँ क्लोज़ करेंगे। मेरी आप हेल्प करते रहेंगे साथ साथ में, मैं लाइन्स को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये मैंने क्या करा, टोटल करने की कोशिश करी है बेटा यहाँ पे। ये हम टोटल कर लेते हैं, ये हमारा फाइनल आ जाएगा। तो आप मेरी हेल्प करेंगे ज़रा, हमें को बताएंगे व्हाट इज़ द टोटल ऑफ, यहाँ कितना टोटल आया? आप कहेंगे सर ये 41,600 आया, ये भी 41,600 आना चाहिए। तो देखते हैं डिफरेंस हमारा कितना आया बेटा। बुक से सोल्यूशन हमारा थोड़ा हमेशा अलग होता है, वो कोई बात नहीं है, आंसर मैच करना चाहिए बेटा। 39,200, ये 39,200 आ गया। यहाँ पे मेरा किस साइड पे आया है? सर ये क्रेडिट साइड पे आया है। तो कहाँ होगा, पार्टनर में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। सबसे पहले किसके अकाउंट को क्लोज करते हैं? फर्म के अकाउंट को क्लोज करते हैं। फर्म के अकाउंट में यहाँ क्रेडिट आ रहा है, पार्टनर्स में क्या हो जाएगा? पार्टनर्स में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो हमेशा लिखता हूँ डिफरेंस इन PSR, डिफरेंस को हम क्या इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे PSR में। और PSR मुझे कितना दे रखा था? 2:1:1 मुझे यहाँ पे PSR दे रखा था। अब डिवाइड करवाइए मुझे 41,400 को, सॉरी 39,200 को। अगर हम डिवाइड करेंगे तो कैसे बनेगा वो हमारे पास? 39,200 डिवाइडेड बाय मैंने 4 किया, 9,800 आ गया। तो यहाँ पे मेरा अगर क्रेडिट है तो यहाँ पे कितना आएगा? 9,800 डेबिट आ गया, 19,800 डेबिट आ गया, और ये 19,000 कितना आ जाएगा बेटा? ये 600 हो जाएगा। 19,000 एंड कितना हो जाएगा? ये 600 हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं बेटा। अब सबसे पहले हम किसके अकाउंट को क्लोज करेंगे? एलिन को, फिर मोनू को, फिर अहमद को। मेरी हेल्प करेंगे, कितना अमाउंट हो गया बेटा? ये मेरा आ रहा था 19,600 प्लस क्या रहा मैंने यहाँ पे 650, ये अमाउंट आ जाता है मेरा 20,250 आता है, ये 16,400 आता है। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका मतलब क्या हो गया? मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ किस कौन सी साइड बड़ी है। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो एलिन की डेबिट साइड बड़ी आ रही है, डेबिट साइड आ रही है तो कितनी बड़ी आ रही है? आप कहेंगे सर 3850 डेबिट बड़ी आ रही है, तो यहाँ 3850 डेबिट लिख देंगे। आगे चलता हूँ मैं, यहाँ देखा मैंने टोटल कितना आ गया, ये आ जाएगा 10,450 आ गया। ये बेटा कितना आ रहा है? 13,400 मैंने डिफरेंस निकाला। आपने कहा सर क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, क्रेडिट साइड कितनी बड़ी आ रही है? 2950 क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, तो हम क्रेडिट लिख देंगे। यहाँ गए हम लोग 9811, 10,900 है, ये कितना 11,800 है। यहाँ तो बहुत आसानी से डिफरेंस निकल गया। सर यहाँ क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, ये क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है। मैंने कहा कितनी बड़ी आ रही है? 900 रुपये बड़ी आ रही है, तो 900 क्या आ जाएगा? क्रेडिट आ जाएगा। अब मुझे एंट्री पास करनी है। रूल क्या होता है आप चेक कर लीजिए, जो डेबिट है वो क्रेडिट्स के बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे? बिल्कुल आ रहे हैं। तो यहाँ पे एलिन का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, और मोनू और अहमद का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री फाइनली क्या बनेगी मेरे पास? एंट्री मैं लिखूंगा यहाँ पे एलिन कैपिटल अकाउंट डेबिट, एलिन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, नाम क्या है? टू मोनू, और टू मैं क्या लिखूंगा बेटा यहाँ? यहाँ मैं अहमद लिख दूंगा। एलिन के अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा? एलिन में आ जाएगा 3850 जो मेरा एंट्री से निकल के आया था, यहाँ यहाँ आ जाएगा 2950, और यहाँ कितना आ जाएगा मेरा? 950 रुपीज़ आ जाएगा। आई थिंक सो 950 रुपीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से हम लोग पास एडजस्टमेंट का इलस्ट्रेशन नंबर 39 आसानी से कर पाए। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ, वो है इलस्ट्रेशन नंबर 43। जो बहुत ही अच्छे इलस्ट्रेशन हैं उनको हम आज कवर करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं बेटा। अब मैं आपके पास सीधा आने चाहूँगा इलस्ट्रेशन नंबर 43 पे आऊँगा। इलस्ट्रेशन नंबर 43 को पहले हम रीडिंग करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर जो 43 आपको दिया हुआ है वो पेज नंबर बेटा 2.57 है, और ग्रेवाल साहब की बुक का एडिशन जो है 2020 है। इसके ऊपर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। देखते हैं बेटा क्या है आखिर इलस्ट्रेशन नंबर 43, आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी हमें। बहुत ही प्यारा पॉइंट है इसके अंदर। एक
ए बी सी आर ए पार्टनर इन ए फॉर्म, ए बी सी पार्टनर एक फॉर्म में बेटा, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज, ए बी सी आर पार्टनर इन ए फॉर्म, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, स्टिल मतलब पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल के लिए अलाउ नहीं करती, डज नॉट प्रोवाइड, प्रोवाइड नहीं करती, स्टिल इट वॉज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। देखिए कमाल की बात, देखिए यहाँ पार्टनरशिप डीड पे लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, मतलब की बात है ही नहीं कोई भी, डज नॉट प्रोवाइड, लेकिन फिर भी हम लोग ने जबरदस्ती दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो क्या करेंगे हम लोग, छीन लेंगे बेटा, क्या कर लेंगे हम लोग, वापस छीन लेंगे, इसका मतलब उनसे प्रॉफिट, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेंगे। नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करना पड़ेगा बेटा, डेबिट करना पड़ेगा, वो भी कितने साल के लिए, 2 साल के लिए करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 2019 और 2020 देयर फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल फिक्स्ड है, एफ आई एक्स सी डी है बेटा, मैं हमेशा बोलता हूँ एफ आई एक्स सी डी फिक्स्ड कैपिटल है, कितनी कितनी है, 50,000, 40,000 और 30,000 की कैपिटल इनकी दे रखी है इन्होंने। अब ड्यूरिंग द 2 ईयर्स दे शेयर द प्रॉफिट एज फॉलो, इनका रेशो अलग अलग है बेटा, पहले रेशो 5:3:2 था, अब रेशो 2:2:1 आपको दे रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, हमें क्या पास करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है अप्रैल 2020 में, एंट्री का मतलब केवल एक ही एंट्री पास करनी है, गलती हमारे यहाँ 2 साल हुई है, लेकिन हम एक ही बार में इस काम को करने की कोशिश करेंगे, कैसे करेंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेटा, यहाँ पे गलती जो हुई है समझाएंगे, इनके तरीके से नहीं करेंगे, हमेशा कभी भी पास एडजस्टमेंट का सवाल करें बेटा, तरीका हमारा करने का एक होगा, ये हमें ऐसा नहीं करना कि हर क्वेश्चन को करने का तरीका अलग बना रहे हैं, एक ही तरीका फॉलो करेंगे, एक सिंपल अप्रोच फॉलो करेंगे जो करते आ रहे हैं। ये स्पेस आपको मालूम है, जनरल एंट्री के लिए छोड़ दिया मैंने, अब मैं क्या बनाऊंगा बेटा, आपको मालूम है हमेशा की तरह ये बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट, अब मैं एक स्टेटमेंट बनाऊंगा जो कि किसको शो करेगी, पास्ट एडजस्टमेंट को शो करेगी। आप देखिए पहले हम किसका कॉलम बनाते हैं बेटा, पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाते हैं, और पार्टनर्स के नाम है, दोबारा चाहूँगा कि देख लेते हैं क्या हमारे पास है, पार्टनर्स के नाम है ए बी और सी, ए बी सी, और लास्ट में क्या चला जाएगा बेटा, फॉर्म चली जाएगी ये, ठीक है, एज यूजल जैसे बनाते आ रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है बेटा, यहाँ हम लोग ऐसे इसको डिवाइड करते हैं ए बी सी, और यहाँ क्या आ गई बेटा, फॉर्म आ गई, कितने हिस्से करेंगे, हमेशा से करते आ रहे हैं, ये दो दो हिस्से हो जाएंगे, डेबिट क्रेडिट, यह हमारे पास क्या आएगा पर्टिकुलर, क्वेश्चन को समझ तो लें सर, क्या गलती हुई है साहब, गलती ये हुई है कि 2019 और 2020 में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था, हमने दे दिया, हमने गलती से दे दिया, अब इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे दोनों साल में, बिल्कुल कर देंगे। अब 2019 में हमारा जो रेशो था वो रेशो था 5:3:2 था, अब यहाँ क्या करेंगे 2:1 का रेशो था, चलो अभी करेंगे बात, यानी कि पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिटेड। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे डेबिट करना पड़ेगा भैया, डेबिट करना पड़ेगा, कैसे करूँगा डेबिट वो भी देख लेते हैं, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था कितना, मुझे ये निकालना पड़ेगा, मेरी जो कैपिटल दे रखी है इन्होंने बेटा 50,000 दे रखी थी, उसका 5% है, 50,000 का अगर 5% निकालता हूँ तो कितना आता है बेटा, करने का तरीका सभी का एक होना चाहिए हमारा, 2500 आता है, कितना आता है 2500, मैंने यहाँ डेबिट कर दिया। अगले साल देखा मैंने, अगले साल मेरी कैपिटल कितनी दे रखी है मुझे बेटा 40,000 का 5% कितना हो गया बेटा 2000 हो गया। अगले साल मैंने देखा मेरी कैपिटल कितनी दे रखी थी, शायद 30,000 रुपये है, बिल्कुल ठीक कहा 30,000 रुपये है, और उसका 5% किया मैंने 1500। पहली बार देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो रहा है, ये ध्यान रखेंगे, क्यों हो रहा है इसका रीज़न आपको पता है। अगले साल फिर ये गलती हो गई, चलिए जी, यानी कि इसी में कर देंगे हम लोग, इतना काम हो गया, बस हमारा यही तो काम था। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, हमारा काम क्या है, सबसे पहले हम किसका अकाउंट क्लोज करते हैं, फर्म का, लेकिन देख लेते हैं पहले हमने करना भूल गए, देखो 2500 और 2045, 6,000 रुपये यहाँ डेबिट है, तो फर्म में क्या हो जाएगा बेटा, ये क्रेडिट हो जाएगा, ये भी फर्म में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सबसे पहले किसका अकाउंट क्लोज करते हैं, हमारा रूल क्या कहता है, सबसे पहले सर हमें किसका अकाउंट क्लोज करना चाहिए, हमें सबसे पहले जो अकाउंट क्लोज करना चाहिए वो हमें किसका करना चाहिए, फर्म का अकाउंट क्लोज करना चाहिए। चलिए जी, फर्म का अकाउंट क्लोज किया, कितना आ गया यहाँ 12,000 आ गया, 12,000 डिफरेंस कितना आ गया, 12,000 आ गया। अब समझना है, अब 12,000 का जो डिफरेंस आता था, और हमेशा मैं क्या लगता था, डिफरेंस इन पीएसआर,
अब मैं यहाँ पे बेटा इसीलिए मैंने सवाल को उठाया है डिफरेंस इन पीएसआर। मैं दो बार लिख रहा हूँ बेटा यहाँ, क्योंकि दोनों साल की रेशियो अलग अलग होती थी। अभी तक जितने भी सवाल होते थे उसमें एक साल की गलती होती थी, यहाँ गलती 2 साल हुई है। तो डिफरेंस इन पीएसआर को बेटा मुझे कितने हिस्सों में डिवाइड करना होगा बेटा, यहाँ 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ, मैं कितना लिखूंगा बेटा, 6,000 रुपये अलग लिखता हूँ डिफरेंस को, 6,000 रुपये अलग लिख देता हूँ। यानी कि आया तो मेरा डिफरेंस 12,000 ही है, लेकिन दोनों मैंने अलग अलग दिए। क्यों? क्योंकि मेरी रेशियो यहाँ पे क्वेश्चन में जो दे रखी थी वो अलग अलग थी। पहले मेरी रेशियो कितनी थी बेटा, 5:3:2 थी, और अब मेरी रेशियो 2:1 है। यही आपको यहाँ ध्यान रखना था। दो अलग अलग एंट्री भी बना सकते थे हम यहाँ, लेकिन नहीं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट एक सिंगल एंट्री की है, इसलिए हमें एक बनाया। यहाँ मैं रेशियो लिखूंगा 5:3:2, और यहाँ मैं रेशियो लिखूंगा 2:2:1। यानी कि 6,000, यानी कि डिफरेंस 12,000 आया था। पहले 12,000 एक ही रेशियो में बांटता था, बच्चे एक गड़बड़ी करते हैं एग्जाम में, सर 12,000 को किस रेशियो में बांटे? अरे भाई 12,000 के दो टुकड़े कर लो भाई, यहाँ पे गलती थी, इस साल का ये फ़र्क था, इस साल का फ़र्क ये था। कोई दिक्कत नहीं है सर, बांट लेंगे 6,000 को, बांटिए जरा मेरी हेल्प कराइए। 6,000 को बांटेंगे 5:3:2 रेशियो में तो 3,000 आएगा, ये 1,800 आएगा और ये 1,200 आएगा। शायद आपको बुक का सोल्यूशन समझ में ना आए, लेकिन हमारा एक ही तरीका है करने का सारे क्वेश्चन को, वो आप कर लेंगे। फिर 6,000 को बांटेंगे 2:1 के रेशो में तो बेटा 2,400 आएगा, 2,400 आएगा, ये छुट भैया जो सी हमारा है 1,200 ही आ जाएगा। चलिए जी अब टोटल का काम शुरू करें। ये कितना आ गया बेटा, ये तो 5,000 आ गया, ये कितना आ गया बेटा, 5,400 आ गया। अब मैंने देखिए बेटा मेरी कौन सी साइड एक्चुअली बड़ी आ रही है। आप कहेंगे सर यहाँ तो मेरी कौन सी साइड बड़ी आ रही है, सर क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, तो 400 रुपये क्रेडिट लिख देंगे। ये कितना आ गया बेटा, ये 4,000 आ गया, ये कितना आ गया बेटा, 4,200 आ गया। फिर से सर 200 रुपये से मेरी क्रेडिट साइड बड़ी आ गई, लिख देते हैं। ये कितना आ रहा है, 3,000 आ रहा है, ये कितना आ रहा है बेटा, 2,400 आ रहा है। कौन सी साइड बड़ी आ रही है, सर यहाँ डेबिट साइड बड़ी आ रही है, 600 रुपये डेबिट। अब देखो डेबिट और क्रेडिट बराबर है या नहीं, बिल्कुल बराबर है। तो एंट्री क्या करेंगे हम लोग, एंट्री करेंगे बेटा कि सी के अकाउंट को डेबिट करेंगे, इन दोनों के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्या आएगी बेटा, एंट्री आएगी सी करंट अकाउंट आएगा बेटा। यहाँ पे करंट अकाउंट क्यों आएगा, क्योंकि एक वर्ड आया था FIXED। FIXED का मतलब फिक्स्ड है, कैपिटल फिक्स्ड है, तो हम करंट अकाउंट यूज करेंगे। तो सी इज करंट अकाउंट डेबिट, टू क्या लिखेंगे हम लोग, 2B और 2A। 2B इज करंट अकाउंट, 2B इज करंट अकाउंट, 2A इज करंट अकाउंट। तो इस तरीके से करके हमारे पास एंट्री आ जाएगी, ये हमारा 600 आ जाएगा। B कितना आया था बेटा, 200 आया था, और ये कितना आया था हमारा, 400 आया था। आई थिंक सो आपको जनरल एंट्री क्लियर हो गई होगी। एक छोटा सा सवाल और भी ले लेते हैं बेटा हम लोग, क्योंकि कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक छोटा सा सवाल और लिखा जा सकता है यहाँ पे, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हम लोग 5-7 मिनट एक और लगा सकते हैं हम लोग, तो 5-7 मिनट अभी हमारे पास टाइम है। हम चाहते हैं कि वीडियो लेंथी भी ना हो, तो इसी चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी हम कर लेते हैं। 10th है, काफ़ी हद तक इसी तरीके से करने वाला है, मैं कराता हूँ ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि जब भी मैंने एग्जाम में दिया है बच्चे लोगों ने गलत किया है। इलस्ट्रेशन नंबर हम कौन सा कर रहे हैं बेटा, 40 कर रहे हैं, और इसमें 40 है, देखते हैं। यानी कि क्या दे रखा है हमारे पास, XYZ पार्टनर हैं, दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो काफ़ी तक मिलता जुलता है, हमें गलती मिल गई है, दे ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना परसेंट देना था बेटा, 10% देना था, भूल गए, कोई बात नहीं, इंसान से गलतियाँ होती हैं। फॉर द 3 ईयर एंडेड, यहाँ 3 साल के लिए भूले हैं, इस बार हम लोग भूल गए, पिछली बार हम लोगों ने ज़बरदस्ती दे दिया था, इस बार हम भूल गए, कोई बात नहीं। देयर फिक्स कैपिटल FIXED आ गया, इसका मतलब क्या यूज करेंगे, यहाँ हम करंट अकाउंट यूज करेंगे। कैपिटल ऑन विच इंटरेस्ट वाज़ टू बी कैलकुलेट थ्रू आउट द ईयर, कितना कितना बनता है बेटा, हमारी कैपिटल कितनी कितनी है, कैपिटल कितने, 10,000 है, 8,000 है और 7,000 है। तो यानी कि इंटरेस्ट कितना बनेगा, 1,000 रुपये, 800 रुपये और 700 रुपये, 1,000 रुपये, 800 रुपये और 700 रुपये। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है आपको, 2018 की 1:1:2 है, फिर 5:3:2 है, फिर 4:5:1 है। फॉर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया, 2,500 इन ईच ईयर, हर साल में प्रॉफिट इतना कमाया है, पास एडजस्टमेंट एंट्री। पहली बात तो बताऊं, जो अब 2,500 रुपीज़ का अमाउंट है, उस इन्फॉर्मेशन आपके लिए इररेलेवेंट है, आपको इसका कुछ नहीं करना। ये प्रॉफिट का यूज तब करते हैं जब ये प्रॉफिट गलत रेशियो में बटा होता, ये आपकी जानकारी क्लियर कर दूँ। इसका मतलब बेटा है 2,500 का मुझे कुछ नहीं करना है, सवाल में 2,500 का कुछ नहीं करना, ये इन्फॉर्मेशन आपको इररेलेवेंट दे रखी है, कोई आपको ज़रूरत नहीं है। कैसे करेंगे सवाल को, मैं करके दिखाता हूँ बेटा। गलती क्या हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, 3 साल हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी जेब से क्या जाता है, क्वेश्चन है तो हमने कर दिया। इलस्ट्रेशन नंबर 40 है, और हमारा ये पेज नंबर क्या आ रहा है बेटा, पेज नंबर हमारा 2.56 है। कैसे करेंगे आपको मालूम है, पहले हम किसके लिए स्पेस छोड़ देंगे बेटा, ये जनरल एंट्री के लिए हम लोग क्या बना देंगे, स्पेस बना देंगे। उसके बाद क्या बनाएंगे, वो स्टेटमेंट बनाएंगे एज यूजल, जो बनाते आ रहे हैं, स्टेटमेंट शोइंग पास्ट
एडजस्टमेंट कैसे बनाएं, स्टेटमेंट शोइंग पासेस में देखिए जरा, ये हमारे पास स्टेटमेंट बन गई, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम है, पार्टनर्स के नाम क्या हैं, चलिए जी बड़े टाइम बाद आए हैं, एक्स वाई और जी, नहीं तो एलिन मोनू सोनू अलग अलग नाम मिल जाते हैं। ये हमने डिवाइड कर लिया, ये एक्स हैं, ये वाई हैं, ये जी हैं, और ये क्या है हमारी फॉर्म हो गई हमारे पास। अब क्या करें हम लोग, आपको मालूम है कितने हिस्से करेंगे इसके हम लोग, यानी कि बेटा ये सेम प्रोटोकॉल आपको हर सवाल में पूछ सॉल्व करना है, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट और ये डेबिट और क्रेडिट। अब क्या हुआ, आईओसी आपको कैपिटल दे रखी थी 10,000 दे रखी थी, 8,000 7,000 बड़ी कम कैपिटल है, 10% का इंटरेस्ट है, तो हर साल आपका इंटरेस्ट बनता चला जाएगा, कितना कितना बनेगा। आप कहेंगे सर मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड। कितने सालों के लिए करना है भैया, 3 सालों के लिए करना है, कौन कौन से साल हैं नज़र तो मार लें, 2018 है, 2019 है, 2020 है, हमने क्रेडिट नहीं किया था तो हमारा क्रेडिट करना बनता है तो बिल्कुल क्रेडिट कर देंगे। लेकिन 2018 की आपको रेशियो दे रखी थी, अगर आप ध्यान से देखें तो 1:2:2 थी, यहाँ रेशियो कितनी दे रखी थी आपको, 5:3:2 दे रखी है, यहाँ रेशियो कितनी दे रखी है, 4:5:1 दे रखी है। जब भी मैंने सवाल दिया मैं बता रहा हूँ 80% से बच्चा गलत करता है, ज़्यादा से ज़्यादा 80% बच्चा गलत करता है। इसको कितना कितना इंटरेस्ट बना, आप कहेंगे सर 1,000 रुपये इसका बन गया, दूसरे वाले का कितना बना, आप कहेंगे 8,000 है तो 800 इसका बन गया, तीसरे वाले का 700 बन गया, टोटल करा टोटल कितना आ गया सर, ये टोटल आ गया आपका 2,500। यहाँ मैंने क्रेडिट किया है तो फॉर्म में क्या करेंगे सर, डेबिट। अगले साल भी यही कहानी हुई, अगले साल भी ये सामान सेम अमाउंट आ रहा है सर 2,500 आ रहा है, अगले साल फिर ये कहानी हुई 800 आ रहा है, 700 आ रहा है, 2,500 आ रहा है। बस इतना करने के बाद हमारा रूल क्या कहता है, रूल तो कहता है साहब क्या कर दीजिए आप, सबसे पहले किसके अकाउंट को क्लोज करेंगे, 50 बार हमने बताया है आपको किसके अकाउंट को क्लोज करेंगे बेटा, सबसे पहले किसके अकाउंट को क्लोज करना होता है बेटे, फर्म के अकाउंट को क्या करना होता है, क्लोज करना होता है, कर देंगे क्लोज। चलिए जी यहाँ कितना टोटल आया 7,500, यहाँ कितना आया 7,500, डिफरेंस कितना आ गया 7,500 का डिफरेंस आ गया, लेकिन ऐसे नहीं लिखूंगा डिफरेंस, पिछले सवाल की तरह लिखूंगा, कितनी बार लिखूंगा डिफरेंस, 2,500 एक लिखूंगा, 2,500 एक लिखूंगा, 2,500 एक लिखूंगा, डिफरेंस तो 7,500 ही आया। अब मैं डिवाइड करूंगा जो डिफरेंस को उस साल की रेशियो के हिसाब से करूंगा, क्यों करूंगा, क्योंकि जो डिफरेंस आया, जो मेरा प्रॉफिट और लॉस हुआ, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने नहीं दिया मुझे देना पड़ रहा है, उससे जो लॉस आया तो वो उन्हीं साल की रेशियो में बटेगा ना भैया, बिल्कुल सही कहा सर आपने। अब डिफरेंस 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 इन PSR इन PSR इन PSR, सर PSR तो बताओ भैया लिखी तो हुई है 1:2:2, अगला क्या है 5:3:2, अगला कितना है 4:5:1, चलो बांटो 2,500 को कितना आ जाएगा सर, यहाँ 500 रुपये, क्योंकि यहाँ क्रेडिट आ रहा है तो आपको मालूम है कि पार्टनर में क्या हो जाएगा डेबिट, 500 आ गया, यहाँ कितना आ जाएगा 1,000 आ गया, यहाँ 1,000 आ गया, चलो जी 2,500 को बांटो 5:3:2 में तो आधा हो गया, ये 1,250 आ गया, ये 750 आ गया, ये 500 आ गया, 2,500 को बांटो 4:5:1 में सर ये 1,000 आ गया, ये 1,250 आ गया, और ये 250 रह गया, चलो जी बांट दिया। अब टोटल करते हैं हम लोग, ये कितना आएगा देखिए बेटा 1,250 और 517 2,750 आ गया, और ये कितना आ गया 3,000 आ गया। आप कहेंगे सर ये तो बड़ी आ रही है, कौन सी साइड बड़ी आ रही है सर, यहाँ तो बड़ी आ रही है, ये वाली साइड आ रही है क्रेडिट साइड, तो 250 क्या लिख देंगे सर, क्रेडिट लिख देंगे जी, चलो जी यहाँ मिला देते हैं डेबिट क्रेडिट को मिला के, ये कितना आ गया 1,750, ये आ गया 3,000 सर, ये आ रहा है 2,400 सर, यहाँ तो बड़ी साइड 600 रुपये बड़ी आ रही है, ये तो डेबिट साइड बड़ी आ रही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जो बड़ा है उसका टोटल लिख देंगे हम लोग, डेबिट साइड बड़ी आ रही है, तो ये कितना आ गया हमारा 2,100 आ गया, ये कितना आ गया 15 और 1,750 आ गया सर, यहाँ फिर क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है 350 क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, तो मैंने 350 क्या लिख दिया यहाँ पे, क्रेडिट लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एंट्री पास करूँगा, एंट्री कैसे पास करूँगा सर, पहले डेबिट वाले को लिखते हैं, यहाँ वाइज करंट अकाउंट आधा नंबर कट जाएगा बेटे, ज़्यादा नहीं कटेगा, करंट अकाउंट लिखना होगा तभी आपको पूरे नंबर्स मिलेंगे, क्योंकि कैपिटल क्या है FICD क्या होता है सर, फिक्स्ड होता है, ये 600 आ गया, अब यहाँ क्रेडिट कर रहे हैं हम, किसी को भी पहले क्रेडिट कर दो, चलो हम एक्स को कर देते हैं, एक्स को इज्जत दे देते हैं, एक्स का करंट अकाउंट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ये कौन है, ये हमारे जी का करंट अकाउंट आ जाएगा, जेड को मैं जी बोलता हूँ बेटा, ये फ़र्क है, कितना आएगा बेटा यहाँ पे, ये हमारा 600 आ जाएगा, एक्स को कितना करा हम लोगों ने 250 किया हम लोगों ने, यहाँ कितना किया 350 किया। तो बेटा इस तरीके से सवाल को करेंगे। अब आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग वीडियो नंबर हम नेक्स्ट बनाएंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा काम होगा दो और हम कैपिटल पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस लेके आएंगे। थैंक यू बेटा।